पर ये इतिहास के प्रोग्राम में भी नवाजा गया, उनका हैदराबाद टीवी पे एक वेब चैनल जो है खोला गया, दिवाली के बाद से जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पूरा एक पेज वर्ल्ड वुमन एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन का पूरा आंधियों से ना पूछो ऐसा उजाला हो जाओ, आज तो मैं दूरों से सितारा हूँ, आंधियों से ना दूरों से सितारा हो जाओ, और इस दुनिया में खतरा हूँ मुझ में ऐसी सिफत है मौला, मैं खतरा है मुसर्रत का मगर मौसम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है तुझ में मुकम्मल, किसी का काम करो। सीएम साहब है तेलंगाना के, उनको जो है बहुत बड़े अवार्ड स्टेट ऑफिस के ऊपर आज जो है एक मीटिंग हुई, यहाँ पे स्टेट ऑफिस दर मीटिंग अंदर अंदी माँ नेशनल प्रेसिडेंट गारू मिस्टर शमीम खान एंड सेक्रेटरी गारू शर्मा गार जानवी शर्मा गारू इकड़की वच्चारु। इवाळ 10th डिसेंबर लो पेद्द एत्तुन मनकु ओक प्रोग्राम उंदी, आ प्रोग्राम लो एला एला पनि चेयालो एं चेयालो एवरिकि पिलवाला एवरिकि मनम अवार्ड इव्वाला अनि अन्नि दानि मीद మేము చర్చ చేసినాము, అందుగురించి ఈ ఆఫీస్లో ఇవాళ చర్చ జరిగింది, పెద్ద ఎత్తున జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అయింది, మాకు మా జనరల్ సెక్రటరీ గారు మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించినాము, అందుగురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత పెద్ద ఎత్తున మన బంజారా ఫంక్షన్ హాల్లో 10th డిసెంబర్ నాడు పెద్ద ఎత్తున చాలా పెద్ద బహిరంగ సభ జరగబోతుంది, దాంట్లో అందరికీ అవార్డులు, ఎవరెవరు మంచి పనులు చేశారు కార్పొరేట్ సెక్టర్లో, ఎవరు ఎక్కువ పనిచేశారు దేశానికి, ఎవరు పనిచేశారు సమాజానికి, ఎవరు పనిచేశారు అందు గురించి వీళ్ళందరికీ మనము ఏరి వాళ్లకు అవార్డు ఇస్తున్నాము దాని గురించి। जैसा कि सब लोग जानते हैं दुनिया में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर को हैदराबाद में बंजारा कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा आयोजन होने जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी पूरी साउथ इंडिया की, पूरी दखन की, और मोहम्मद इस्माइल हुसैन साहब जो हमारे साउथ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में उनकी पूरी बॉडी के साथ उनके सहयोगी सब लोग यहां बैठे, सादिक साहब और फैज साहब, कादरी साहब, रेड्डी साहब सब लोग बैठे, जानवी शर्मा जी नेशनल सेक्रेटरी, और मैं शमीम खान नेशनल प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन। राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संचालित कई मुद्दों पर हमने चर्चा की विस्तारपूर्वक, और आने वाले दिनों में इसका किस तरह से आयोजन किया जाएगा उसके प्रति, और हमारे कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं थी, पुलिस समाज के साथ मिलकर के हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर चर्चा हुई, और मोहम्मद इस्माइल हुसैन साहब को कॉरपोरेट सेक्टर का महासचिव मनोनीत किया गया, और हमारे कार्यकर्ताओं की जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसको हम सोशल नेटवर्किंग के तहत, व्हाट्सअप के तहत, फेसबुक के तहत किस प्रकार से लोगों तक पहुँचाएँ, और जो उनकी समस्या हो समाज की उसको किस प्रकार से निदान किया जाए उस पर विशेष तौर पर चर्चा हुई, और आज हम सब लोगों ने ये फैसला लिया कि जो समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं और हमारे संस्थान के साथ जुड़े हुए जो हमारे कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा सराहनीय योगदान दिया, उनको भी उनको ऑनर किया जाएगा, उनका सम्मान बढ़ाया जाएगा, और देश के पैमाने पर जो भी हमारे अच्छे ऑफिसर्स, समाज सेवक, उद्योगपति जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है उनको भी उस दिन सम्मानित किया जाएगा, और उस दिन कई देशों के सफीर यानी अम्बेसडर्स और मिनिस्टर्स कैबिनेट के, और बहुत सारे MLAs, MPs और अलग अलग धार्मिक गुरु भी वहां पर उपस्थित होंगे, और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विशेष रूप से उस पर चर्चा होगी, कुछ कल्चरल आयोजन भी होंगे, और हमारे देश के उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने हमारे देश के हित में, देश की रक्षा और समाज की रक्षा के हित में कार्य किया, सराहनीय योगदान दिया,
उनको उस दिन हम लोग ऑनर करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो साउथ एशिया फ्यूचर लीडरशिप का सम्मान मुझे ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने मुझे दिया है, तो साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और साउथ इंडिया में जो आज देखने को मिला है यहाँ पे, जो प्यार लोगों ने दिया है, और हम जो मानवता एक अलग थॉट्स है, इंसानियत की रक्षा कैसे की जाए उस पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि समाज की यही ज़रूरत है।